तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आपने OKX ऐप का वैलेट या अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। अगर आप भी OKX ऐप का अकाउंट या वैलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि हम ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड कॉन्टेंट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, पहली बार आप इसे ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस या पेज आपके सामने आ जाता है। ठीक है सर, तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। नीचे दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, लॉगिन और गेट स्टार्टेड। क्योंकि हमारे पास पहले से कोई अकाउंट नहीं है, हमने नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है सर, तो क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर, ठीक है, साथ कंट्री कोड आपने सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा कंट्री कोड है। ठीक है, तो कंट्री एंड रीजन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ आपके पास सारी की सारी कंट्री के कोड आ जाएंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका 92 कोड है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 92 के साथ छोटा सा डाउन जैसा। ठीक है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास सारी कंट्री के कोड आ जाएंगे। कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। फ़ोन नंबर से पहले 0 आपने नहीं लिखनी। अगर आप ई मेल पर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ आपने अपनी ई मेल आई डी लगा देनी है। ठीक है सर, नीचे रेफरल कोड ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ठीक है सर, तो मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ या ई मेल अपनी आई डी लिख कर। नीचे साइन इन वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, साइन इन वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ साइन अप पर। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको 3 पिक्चर दिखाई दे रही हैं। ठीक है सर, इनके ऊपर अगर आप देखें, फर्स्ट जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है वो वॉच वाली है, सेकंड आपको दिखाई दे रही है वो कंप्यूटर वाली है, और थर्ड जो आपको दिखाई दे रही है कोई मेडिकल किट है। ठीक है सर, आप तीनों पिक्चर आपने देख लिए हैं। फिर आपको मतलब कि जो पिक्चर नज़र आ रही है फर्स्ट वाली, हम मतलब कि जो वॉच वाली है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड वाली कंप्यूटर वाली है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, थर्ड वाली मेडिकल किट है वो सेलेक्ट करके नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड आपने वेट कर लेना है। यह देख सकते हैं हमारी जो रिपोर्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है कि हम ह्यूमन हैं, रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट वेरीफाई हो चुका है। अब आपके कोड मोबाइल फ़ोन पर कोड आएगा, जो आपने मोबाइल फ़ोन दिया होगा, तो सिंपल वो कोड आपने यहाँ पर पोर्ट कर देना है। तो दोस्तों, मैंने अपना कोड पोर्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब आपने पासवर्ड लगा देना है 8 डिजिट का। ठीक है, जिसमें अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर और इसके अलावा सिंबल आपने लगा देनी है। ठीक है, मैं अपना पासवर्ड लगा देता हूँ, इसमें मैथ वाला डिजिट भी आपने लगाने हैं। ठीक है, मैं अपना पासवर्ड लगा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड आपने वेट कर लेना है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप अपना सेटअप फिंगरप्रिंट लॉक भी सेट कर सकते हैं, तो मैं इसे फिलहाल स्किप कर देता हूँ, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिसीव क्रिप्टो बाई क्रिप्टो के, ये आपको कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी आप बाई कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, ये भी हम मे बी लेटर कर लेंगे, हम बाद में क्रिप्टो बाई और सेल कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा वैलेट 100% क्रिएट हो चुका है। ठीक है सर, तो इस तरह आपने अपने OKX वैलेट को क्रिएट करना है। ये आप देख सकते हैं सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर क्रिएट हो चुका है।